इलो। अच्छा एक बात कहना चाह रहे हैं हम आपसे, देखो बुरा मत मानना है, आज जो कुछ भी हुआ घर वो अम्मा जी को, सुन तो लीजिए। सुन रहा है, बोलो। भाई आजकल का जमाना है, बदल गया है जमाना, ये पीढ़ी मतलब उनकी अपनी पसंद है ना पसंद है, वो अमित बिटवा को वो लड़की भाग गई है ना, इतनी अच्छी लग रही है बेचारे को तो, और लड़की में अगर कोई बुराई ना हो तो, है मतलब अच्छी हो लड़की तो करा देते हैं शादी। नहीं हम बस सोच रहे थे कि अम्मा ने अगर कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा, अम्मा उनकी बात को कोई काटे ये हमें पसंद नहीं, जानती हो तुम, और अगर इतना ही सोचने का मन कर रहा है ना तो जरा अपने साहबजादे के बारे में सोच लो, बहुत जरूरत है उसकी। आप तंग मत करो मुझे। निम्मी मेरी बात तो सुन। भैया देखो ना, निम्मी अब तक मूड खराब करके बैठी है, जैसे पहली बार शशिकला ने कुछ बोला हो। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है, जो अच्छे से पता ना कि दादी कुछ ना कुछ तो बोलती रहती है। वैसे प्रीति दादी बोलती कैसे, एक बार एक्टिंग करके दिखाना, दादी की करके दिखाना। चल बैठ 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 बैठ, जल्दी जल्दी। ढोल कहीं बज रहे और बराती कहीं नाच रहे, हमारी वजह से नहीं, छोटी रानी की नौटंकी की वजह से नाराज होके गई है हमारी सरला। कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, एक्टिंग तो अच्छी करने वालों तो तू करके दिखा दे। चल तू करके दिखा। देखो फिर दादी की डायलॉग डिलीवरी। रघुआ, अरे ओ रघुआ, इस मारे फोटो की वजह से नहीं, ये खुशिया और बिट्टू रानी ना, इन दोनों की वजह से हमारी सरला नाराज होके गई है। अरे जब भी सरला आती है इनके तो आके चार चार हो जाते हैं, बली और हार यही देखते रहते सरला के। अरे कसम से बहुत अच्छी एक्टिंग करती है तू, रहने भी दो अब, चढ़ाओ मत मुझे। मेरे सर की कसम है। अच्छा वैसे भैया एक बात बताओ, उस मुसीबत के पीछे क्यों पड़े हो? नहीं मतलब जिस लड़की ने आंखें निकाल कर मुंह तोड़ जवाब दिया था ना दादी को, वो ही अमित भैया ने जिसे पसंद किया था, उस लड़की को घर पे लेके आओ और हमारी भाभी बना दे, सच में। हाँ भैया उसी को लेकर आओ। हाँ अरे क्या दिन होगा वो जब हमारी शशिकला सुनती रहेगी और भाभी सब बोलती रहेगी। वाह वाह क्या दिन होगा। निम्मी फिलहाल तो सोच के खुश होना पड़ेगा। भैया अब कुछ तो करो ना। हो गया चलो अपने कमरे में जाके सो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे सोचना हमारी बात के बारे में। हाँ और अगर आपने नहीं ढूंढा ना तो हम ढूंढ के लिए आएंगे। अब खत्म हो गई राहु काल है पंडित जी, ये खुशियाँ सब भर दिया ना जो जो कहा था टोकरी में। जी अम्मा जी। और कितना सब्र करना पड़ेगा। बस 5 मिनट और अम्मा जी,
उसके बाद चले जाना अपने बिटिया से मिलने। That's right. अगर ये यूनिफॉर्म किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। That's right. भाई बुलेट राजा, ती सुबह सुबह कहाँ चली सवारी? वो मैं भी सवारी करा दो। कब कहीं जाना है क्या आपको? ये लो कोटवाल मत बन हमसे, हैं सरला के यहाँ जाना है। लेकिन दादी मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। ये लो है कुसिया, तू थानेदार और ये कोटवाल कहीं और जा रहे हो हैं? अरे रघुआ बिटवा। दादी हाँ, वो के घर जाना है आपको? छोड़ देता हूँ ना मैं आपको। क्या सरला के घर जा रही हैं आप? हमारी तरफ से भी मना लीजिएगा उसको, हम कर देंगे फोन बाद में। अब आते हैं। ए, बुलेट राजा चल। अरे अरे अम्मा जी, अम्मा जी सत्यानाश हो, टोक दिया जाते जाते। बस एक मिनट बाद खत्म होने वाला राहु काल, उसके बाद चले जाना। अच्छा मैं चलता हूँ अम्मा जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मम्मी मम्मी सुनो ना, मम्मी 1000 रुपए दो ना। 1000 रुपए? हाँ हाँ, पागल हो गई है ना? है? अरे दो ना मम्मी, ऐसे क्यों कह रही हो? जरूरत है हमें, कुछ खरीदना है दो। तुम ना अपने हाथ बांध के रखना सीखो, समझी ना? जब तक अम्मा मान नहीं जाती, यहाँ पे अमित अड़ा हुआ है, वहाँ पे अम्मा जिद पे अड़ी हुई है, और तुम हो, तुम्हारे खर्चे नहीं खत्म होते। अभी दे रहे हैं बस इस महीने के आखिरी, दोबारा मत मांगना। बाय। मम्मी वैसे बात ना करना कोई सल्यूशन नहीं है। बहुत हो गया मम्मी, अब हम नानी को बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारी टोन कितनी निकल आई है। इलाने कह रहे हैं साइकिल ले लो, वर्जिश की वर्जिश हो जाएगी। चलो दादी एक सेकंड पकड़ेंगे, थोड़ा भारी ध्यान से जरा संभाल कर बैठना था। वो क्या है ना कि टोकरी बड़ी है ना बुआ की, तो अगर गिर गई तो। तुम तुम्हारी टोकरी संभालो, ये टोकरी का ख्याल हम रखेंगे। सर को आगे। अरे भाई बैठने की जगह ही ना है इस सर को। अभी क्या हेडलाइट पे बैठ जाऊं दादी? अरे हमें कहां पता सर को। थोड़ा और थोड़ा आज थोड़ा और सरक ले बिटवा, गिराना मत। चल 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 चल।